नमस्ते फ्रेंड, फिर आज हम शुरू करेंगे। आज सेकेंड हम लोग का क्वेश्चन है कि एनिमल फॉर्म को डिस्कस करना है एज अ एलेगोरी। एलेगोरी क्या होता है? रूपक कथा। रूपक कथा का अगर नॉर्मली मतलब हम जानना चाहें तो ये मतलब होता है कि एक ऐसी कथा यानी कि एक ऐसी कहानी जो एक चीज़ पर लिखा रहे और उसका मतलब कोई और है, यानी कि कह सकते डबल मीनिंग वाला जो कथा लिखा जाता है वो दोनों चीज़ के बारे में लिखा जाता है उसी के बारे में। तो यही एक तरीके से एनिमल फॉर्म एक एलोगोरी है, वही लिखना है। यानी कि इसमें देखा जाए तो एनिमल फॉर्म एक तो नोवेल लिखा गया हुआ है, लेकिन वे फ्रांसीसी क्रांति के समय या फ्रांस की क्रांति से पहले, फ्रांस की क्रांति के समय और फ्रांस की क्रांति के बाद क्या हुआ वो एनिमल फॉर्म के माध्यम से बताया हुआ है। तो वही एक तरीके का एलोगोरी हो गया। तो बस उसी को रिलेट करना है। पहले वाला क्वेश्चन और अभी वाला क्वेश्चन एक ही जैसा आपको दिखाई देगा, मिलेगा। तो देख सकते हैं इसको, ये सभी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम देखेंगे तो ये सभी इसमें से कहीं ना कहीं से मैच कर ही जाएगा। तो हम ये जान रहे हैं ये क्वेश्चन, पहले वाला क्वेश्चन को हम अगर देखेंगे तो वो कहाँ था। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर हर देखते हैं तो पी वाई क्यू अगर हम देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा कि किस प्रकार से इसको दर्शाया हुआ है, एक के माध्यम से दूसरे को बताया हुआ है। पी वाई क्यू में देखते हैं कि ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि नहीं। तो जैसे हम पी वाई क्यू में देखते हैं, इस साइड है, तो जैसे 2015 में देख सकते हैं पूछा गया है कि डिस्क्राइब एनिमल फार्म एज अ सटायर अगेंस्ट टोटलिटेरियनिज्म। ये तो खैर आगे क्वेश्चन हम देखेंगे। ये दूसरा क्वेश्चन में कि राइट क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ एनिमल फार्म, 2016 में भी नहीं पूछा गया है। 2017 में देखते हैं कि राइट अ नोट विट एंड ह्यूमर इन एनिमल फार्म, ये भी नहीं पूछा गया है। फिर उसका देखते हैं कि देख सकते हैं कि हम पहले वाला क्वेश्चन में देखे हैं वो अभी पूछ दिया कि डिस्कस एनिमल फार्म एज अ पोलिटिकल सटायर। तो पोलिटिकल सटायर है, उसके बारे में हम तो जान ही चुके हैं कैसे है। फिर है कि 2019 में पूछा हुआ, देख सकते हैं एग्जामिन एनिमल फार्म एज एन एलोगोरी। तो देख सकते हैं 2019 के इंग्लिश के क्वेश्चन में पूछा गया, वो भी बिहार यूनिवर्सिटी में। तो ये देख ही लिए क्वेश्चन, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। और डिस्कस एनिमल फार्म एज एन पोलिटिकल सटायर, ये सब तो हम अभी यही क्वेश्चन जानेंगे। तो हम जो जान रहे इसी बुक से जान रहे हैं, देख सकते हैं बिहार यूनिवर्सिटी गेस पेपर। सेकेंड क्वेश्चन हम जानने रहे हैं तो इसमें यही एलोगोरी के मतलब तो जान ही चुके हैं। अब इसका आंसर इस प्रकार से होगा। तो इसका आंसर लिखने के बाद आप लास्ट वाला पेज में देखेंगे, ये पेज आपको नोट्स करना है और कम से कम 6-7 पेज आप लगा देंगे तो आपको 50 मार्क्स अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। बस ये शॉर्ट नोट्स करना है और ये वीडियो देखना है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर है कि एन एलोगोरी इज अ सिम्बॉलिक डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी। एक तरीके के ये सिम्बॉलिक यानी कि संकेत करता है कि समाज में कैसी कैसी प्रॉब्लम है उसी के बारे में यह सिम्बॉल है, यानी कि संकेत करता है एलोगोरी। तो वही ना, जो एनिमल फॉर्म में जो हो रहा है वो सोसाइटी के प्रॉब्लम को यह बताया है। कंटिन्यूइंग दिस पैटर्न द नॉवेलिस्ट प्रेजेंट एनिमल स्टोरी इन दिस नॉवेल। तो यही जो हमेशा एनिमल स्टोरी जो नॉवेल में हो रहा है उसी के बारे में इसमें बताया हुआ है। दिस स्टोरी ऑफ एनिमल प्रोवाइड्स द रीडर्स विद अ ग्रेट ह्यूमर एंड वीट। ये बात पहले भी जान चुके कि यह नॉवेल हमें अच्छे से गुदगुदा भी देता है, साथ में यह हम लोग को बुद्धि भी दे देता है, मतलब तेज भी हम लोग को बना देता है ये। फिर है कि सम टाइम्स इट सीम्स टू बी अ स्टोरी चिल्ड्रेन, कभी कभी ये लगता है ऐसे पूरा स्टोरी। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर सुने होंगे ये जो वन शॉट है वीडियो एनिमल फार्म नॉवेल का, वे आप सुने होंगे। तो वही है कि ये कभी कभी देखते हैं जब हम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि यह बच्चों का स्टोरी है, पर यह बहुत ही गहरा मतलब नॉवेल है। बट द सरफेस ऑफ द स्टोरी डील्स विद द सटायरिकल लाइट ऑन सोशल एंड पॉलिटिकल वर्ल्ड ऑफ दैट टाइम।
जो उस समय दैट टाइम मतलब फ्रांसीसी क्रांति के समय जो जो हुआ है उसके बारे में सही तरीके से इस नॉवेल में दर्शाया हुआ है। तो ये सब है। एलेगोरी इज़ अ फॉर्म ऑफ लिटरेरी स्टाइल। लिटरेरी स्टाइल तो समझते ही होंगे, वैसा स्टाइल से यह बताता है हम लोग को, यानी कि साहित्यिक कथा है यह। साहित्य के माध्यम से हमको पॉलिटिकल की दुनिया में भी ले जाते हैं जॉर्ज ऑरवेल, साथ में बच्चों की कथा में ले जाते हैं, एनिमल फॉर्म जो एक कार्टून की तरह है वो उसमें भी ले जाते हैं। तो अलग अलग तरीके से हम इस नॉवेल को जानते समझते हैं। तो वही है कि एलेगोरी लिटरेरी यानी कि साहित्यिक स्टाइल से यह एलेगोरी एक फॉर्म है जो कि साहित्यिक स्टाइल से बताया हुआ है। When a theme present in two meaning or more than two, it comes in the category of allegory. ये तो बात पहले ही जान चुके कि allegory क्या है। तो allegory वो चीज़ है जब किसी चीज़ को यानी कि एक थीम होता है, एक टॉपिक होता है, उसमें दो या दो से अधिक मीनिंग को बताते हैं, दर्शाते हैं, तो वही एलेगोरी कहलाता है। तो इस नॉवेल में यही दो तरीके का है, एक तो एक एनिमल फॉर्म में जो हो रहा है वो, और एक जो फ्रांसीसी क्रांति के पहले और उसके बाद और उस समय जो जो हुआ वो बताया है। द राइटर अडॉप्ट्स आइदर द मीन्स ऑफ सिम्बोलिज्म द दैट ऑफ पर्सनिफिकेशन, अपने जो अपने के अनुसार उन्होंने इसको लिखे हैं। तो एलेगोरी क्या है ये सब तो जान चुके, और यहाँ पर क्या क्या हुआ एलेगोरी के बारे में, कैसा एलेगोरी है तो जान चुके। अब आगे है कि द राइटर इज सो मच अवेयर ऑफ एलेगोरिकल राइटिंग दैट ही डज नॉट फॉरगेट टू मेंशन द सोवियत सीक्रेट पुलिस, यानी कि पुलिस इन द फॉर्म ऑफ डॉग्स ऑफ नेपोलियन। इसमें अब यही बात है कि अब एक तरीके से हम शुरू कर रहे हैं, यानी कि जो नॉवेल है उसी को समझ रहे हैं कि इसमें राइटर ये अच्छे से अवेयर कराना चाह रहा है कि हम लोग को ये भूलना नहीं चाहिए कि जो सोवियत सीक्रेट किया था पुलिस को, यानी कि सोवियत संघ ने, तो उसी के अनुसार उसी के जैसा ये नेपोलियन था, नेपोलियन अपने डॉग्स को पालते थे और उसको समय आने पर उस डॉग से हमला करवाते थे और अदर्स पर। इन फैक्ट द प्लॉट ऑफ कैरेक्टराइजेशन ऑफ द नॉवेल आर वेरी हेल्पफुल टू द एलेगोरी ऑफ द नॉवेल। तो देख रहे हैं कि ऐसा ही एक ही बात से एलेगोरी का पता चल रहा है कि जिस प्रकार से सोवियत ने पुलिस को सीक्रेट किया था उसी प्रकार से नेपोलियन ने डॉग्स को सीक्रेट किया था। द नॉवेलिस्ट रिवील्स द प्रॉब्लम्स ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विंड मिल एंड द इफेक्ट्स ऑफ सेवन कमांडमेंट्स एंड अ ह्यूमरस मैनर। एवरी इंसिडेंट एवरी कैरेक्टर्स ऑफ द नॉवेल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग द मेन थीम ऑफ द नॉवेल। इस नॉवेल में अलग अलग तरीके का अलग अलग किरदार था, जैसे यहाँ पर नॉवेलिस्ट में ये बात को उभारा है कि विंड मिल के स्थापित, यानी कि अलग अलग तरीके का हम सोचते हैं ये टेक्नीशियन टेक्निक के माध्यम से हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहते हैं, उसी प्रकार से उसमें विंड मिल को बारे में बताया, विंड मिल के बारे में बताया हुआ है। तो बस जो घटना हो रहा था एनिमल फॉर्म में उसी को तुलना कर रहे, कंपेयर कर रहे, तो यही एक तरीके से बन रहा है हम लोग का एलेगोरी। तो वही है जॉर्ज ऑरवेल हु हैड बीन अ जर्नलिस्ट, वे एक पत्रकार थे, एल्सो प्रूव्ड टू अ रिमार्केबल नॉवेलिस्ट, साथ में वे प्रूव्ड रिमार्केबल नॉवेलिस्ट थे। इन द लाइन ऑफ एलेगोरी राइटिंग द एनिमल फार्म हैज बीन अप्रिशिएटेड बाय ऑल द क्रिटिक्स बिकॉज ऑफ इट्स एलेगोरिकल स्टाइल। हर इसमें जितने भी सारे अगर कभी कभी वे क्रिटिसाइज भी किए हैं कोई किरदार का, तो वह अपने एलेगोरिकल तरीके से ही किए हैं। जैसे नेपोलियन में स्टालिन, नेपोलियन जो सुअर था उसका तुलना स्टालिन से किए हैं, तो उसमें किस प्रकार से एनिमल्स को लेकर स्टालिन को बताया, यानी कि एलेगोरिकल तरीका से उन्होंने जो बताया वह क्रिटिक्स किए वह भी एलेगोरिकल तरीके से ही। In fact, the story of the animal farm has been presented as a fairy tale. Fairy tale की तरह उन्होंने इसको बताए हैं कि किस प्रकार से वह
साफ सुथरा तरीका से बताया हर किरदार को। फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द एंड ऑफ वी रिमेन द कंपनी ऑफ एनिमल्स, वी फील प्लीजर व्हेन वी लिसन टू ओल्ड मेजर। हम लोग को खुशी होती है कि जब ओल्ड मेजर अच्छे अच्छे बात बताते रहते हैं अदर एनिमल्स को, तो उस समय उसको हमेशा सीख देते हैं अच्छे अच्छे सीख कि हम लोग को हमेशा अच्छे के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए ऐसी सी बातों के लिए। तो भाई वी फील प्लेजर व्हेन वी लिसन टू ओल्ड मेजर स्क्वीलर, फिर बाद में स्क्वीलर हु एक्सप्लॉइट्स द सिंप्लिसिटी ऑफ द एनिमल्स ऑल्सो मेक्स अस हैप्पी, बट व्हेन वी बिकेम अवेयर ऑफ द सिंबलाइज दिस एनिमल्स वी रियलाइज द सिंसियरिटी एंड सीरियसनेस ऑफ थीम। इसमें एक स्क्वीलर का रोल आता है जो कि एक तरीके से चमचा बन जाता है नेपोलियन का। तो वे एक हम लोग को सीरियसनेस इस नोवेल में आ जाता है। तो बस देख रहे हैं एक सब सिंपली यहाँ पर जान आसान है। ओल्ड मेजर हु रिप्रेजेंट, ओल्ड मेजर जो रिप्रेजेंट करता है कार्ल मार्क्स को, बिकॉम एन आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर यानी कि जो एनिमल फार्म है उस एनिमल फॉर्म में जो किरदार निभाया हुआ है ओल्ड मेजर, जो कि एक सुअर था, वो सुअर प्रतिनिधित्व करता है कार्ल मार्क्स को। और वहीं पर नेपोलियन एंड स्नोबॉल का जो किरदार था हु स्टैंड्स फॉर स्टालिन एंड ट्रॉट्स्की, ये पहले जान चुके कि नेपोलियन स्टालिन को दर्शा रहा है और ट्रॉट्स्की है वह स्नोबॉल था। बिकॉम मोर इम्प्रेसिव कैरेक्टर, ये जो स्नोबॉल हो गया, नेपोलियन हो गया और ओल्ड मेजर हो गया, इसका बहुत ही इम्प्रेसिव कैरेक्टर था। जैसा कि ये देख रहे हर चीज़ एलोगोरिकल तरीके से इसमें जो लिखा हुआ है वो बता रहे हैं। स्पेशली द बैटल बिटवीन देम मेक्स अस अवेयर ऑफ पॉलिटिकल अप्स एंड डाउन्स इन रशिया, कि किस प्रकार से जब वे दोनों के बीच में जब झगड़ा होना यानी कि लड़ाई शुरू हो गया वे सभी में, तो कैसे बुरा प्रभाव पड़ा है, उसी से हम लोग को अवेयर कराना चाहते हैं कि ऐसा रूस में भी हुआ था और उसका परिणाम कुछ ठीक ठाक नहीं हुआ। परिणाम तो आखिरकार कहीं ना कहीं अच्छा ही हुआ, लेकिन वो बहुत ही मुश्किल से अच्छा हुआ। तो ऐसा ही वे कहते हैं कि वे आपस में ही लड़ते थे, मतलब लड़ाई हुआ और उसी लड़ाई से हमें अवेयर कराना चाहते हैं हम लोग सिंपली जो जीते हैं। फिर है कि इन द स्टोरी ऑफ एनिमल फार्म पिग्स अलोन एंजॉय द प्रिविलेजेस एंड लेड अ लग्जरियस लाइफ व्हाइल अदर एनिमल्स रिमेन बिजी इन द लेबोरियस वर्क। तो ऐसा पॉलिटिक्स में भी होता है कि जो लोग होते हैं लीडर जैसा, लीडर के पद पर जो लोग होते हैं वे अपने आप में इंजॉय करते रहते हैं नेपोलियन की तरह लग्जरियस लाइफ को, और वाइल अदर जो होते हैं जनता लोग होते हैं यानी कि अदर एनिमल्स होते हैं बिजी होते वह लेबोरियस वर्क में। तो इन 1941 हिटलर अटैक्ड रसिया एंड रून द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो जैसा हिटलर ने 1941 में रसिया पर अटैक किया और 1941 के बाद से वह इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए वह शासन करने लगा कोई भी इंडस्ट्री को, तो ऐसा ही हुआ इस नोवेल में भी। द नोवेलिस्ट रिवील्स द फैक्ट दैट नेपोलियन बेगन टू हैव ट्रेड रिलेशन, यानी कि इसमें जो हिटलर ने काम किया वैसा ही काम कुछ थोड़ा मिलता जुलता काम नेपोलियन का भी था, जो कि ट्रेड रिलेशन शुरू कर दिया विथ फ्रेडरिक हु लेटर ऑन अटैक्ड द फार्म एंड रन द विंड मिल, जो कि जब एनिमल फार्म पर जब अटैक हुआ तो उसके बाद नेपोलियन ने व्यापार शुरू कर दिया फ्रेडरिक नाम के साथ, और फिर एंड रिउंड द विंड मिल को वह अपने अनुसार चलाने लगा और अपने अनुसार वह काम करने के लिए कहने लगा सारे एनिमल्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल सोवियत यूनियन डिड नॉट परमिट एनी रिलीजन, सबसे पहले तो सोवियत जो यूनियन था, सोवियत संघ था, वे तो परमिट नहीं दिए थे, वे आज्ञा नहीं दिए थे। बट इन 1944 स्टालिन रॉट अ लेटर टू अ पॉप, स्टालिन ने जो था नेपोलियन, तो नेपोलियन ने एक लेटर लिखा यानी कि
स्टालिन रॉट अ लेटर टू पॉप एंड परमिटेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द चर्चेस इन रशिया। तो वे चर्च को अपना एस्टैब्लिश यानी कि स्थापना करने के लिए वे लिख दिए, एक लेटर पॉप को लिखा और वे परमिट आखिरकार मिल ही गया। तो वैसे ही इसमें भी, इस नोवेल में भी किया गया हुआ था कि इन द नोवेल मोसेस हु स्टैंड्स फॉर रिलीजन, मोसेस यानी कि जो कौवे का किरदार था, तो वे इस नोवेल में मोसेस हु स्टैंड्स फॉर रिलीजन, रिलीजन को दर्शाता है इस नोवेल में, लीव्स द फार्म जस्ट आफ्टर द रेवोल्यूशन बट आफ्टर सम टाइम्स ही इज अलाउड टू लाइव इन द फार्म। तो कुछ समय के बाद वह आराम से इस फार्म में रहने लगे। हिज स्टोरीज ऑफ शुगर कैंडी माउंटेन ब्रिंग कॉम्फर्ट टू एक्सप्रेस्ड एंड सफरिंग एनिमल्स। द लास्ट सीन ऑफ द नोवेल इन विच नेपोलियन इंटरटेन्स हिज नेवर्स स्टैंड्स फॉर द वेरियस मीटिंग बिटवीन स्टालिन एंड चर्चिल ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार टू। ये वर्ल्ड वार टू के बीच और वर्ल्ड मतलब उससे पहले वाला ये सब घटना हो रहा है। तो ये बस कितनी सुंदरता से बता रहा है एनिमल फॉर्म में जो जो घटनाएं होती थी वो इसमें, जो पॉलिटिकल फॉर्म पॉलिटिकल सिस्टम में जो हो रहा है वो भी इसी में बता रहा है। दस एनिमल फार्म इज अनडाउटली इज अ सक्सेसफुल एलोगोरी। तो ये बिना कोई डाउट के बहुत ही सक्सेसफुल एलोगोरी उसको माना जाता है एनिमल फार्म को। इट कंटेंस वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड एट द सेम टाइम इट शोज कंटेन वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड एट द सेम टाइम। तो शो यानी कि उसी समय बहुत ही इंटरेस्टिंग यह शो करता है। फिर है कि आगे जस्ट देखते हैं हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में, तो यह बताता है और रसिया के जो पर्सनालिटी अलग अलग लोग थे उसके बारे में भी ये इतने सुंदर तरीके से बता रहे हैं हम लोगों को। फिर आगे है कि इट शो हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड पर्सनालिटीज ऑफ रसिया ब्रॉडली सींगे, पूरी दुनिया में ये बात देखा जाता है कि ओनली टेल्स अस द रिजल्ट ऑफ सोवियत रिवोल्यूशन बट इट लेट्स अस नो अबाउट एवरी रिवोल्यूशन दैट इज ब्राउट फॉर फ्रीडम, जो स्वतंत्रता के लिए आया था। तो ये बता रहे हैं इसके बारे में। तो इन द लास्ट चैप्टर जो रीडर्स के बारे में है, नोट दैट नेपोलियन एंड हिज फॉलोअर्स इन द फॉर्म ऑफ पिग एंड डॉग्स, यानी कि नेपोलियन एंड हिज फॉलोअर्स, यानी कि नेपोलियन कौन था, पिग था और उसका फॉलोअर्स था डॉग, हैव बिकम रिच। वह अंत में, इस कहानी के अंत में बहुत ही अमीर हो गए वे नेपोलियन और उसके डॉग्स जो पाले हुए थे। व्हाइल अदर्स एनिमल आर लीडिंग द लिव्स स्कार्सिटी एंड सफरिंग, वे बहुत ही मुसीबत से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। बाद बाकी जो फॉलोअर्स था और नेपोलियन था वे तो खुशी खुशी जीवन जी रहे थे। तो ऐसा नॉर्मली पॉलिटिकल में भी होते रहता है कि जो लोग जीत जाते हैं वो तो आखिरकार खुश हो जाते ही हैं, लेकिन जो जिताने वाले लोग होते हुए अंत में दुखी के साथ जीवन बिताते हैं। नेपोलियन ऑर्डर्स द एनिमल्स टू गिव अप ऑल द ट्रेडिशंस, यानी कि जो ट्रेडिशंस पूरे होते पूरे ट्रेडिशन को छोड़ने के लिए एनिमल्स को कह देते हैं। द नोवेलिस्ट प्रेजेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स थ्रू एन एलोगोरी, तो इसलिए इस प्रकार से पूरे एलोगोरी तरीके से अपने हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं। तो आसान आसान है, एक बार इस नोवेल को आप सुन लीजिए तब आपको पूरे जो 14 क्वेश्चन देखे, 14 क्वेश्चन इजी से और साथ में 7 कैरेक्टर के बारे में लिखना है तो 21 के बारे में इजी से लिख सकते, इतना आसान है। तो ये बात है कि ही गिव्स अस द क्लू ऑफ रशियन पॉलिटिक्स, जो रशियन पॉलिटिक्स के बारे में हम लोग को बता रहा है कि किस प्रकार से अंत में रशियन पॉलिटिक्स के अंत हुआ है। ही टेल्स अस हाउ द पीपल ऑफ रशिया रिवोल्टेड अगेंस्ट द टायरनी ऑफ गवर्नमेंट, किस प्रकार से यह अलग अलग तरीके को बताए हैं, जो दुख हो रहा होता था उसके बारे में उन्होंने बताए हैं रशिया के। द रिवोल्यूशनरीज डिक्लेयर्ड दैट दे बिलीव्ड इन द थॉट ऑफ कार्ल मार्क्स, जो क्रांतिकारी थे वे विश्वास करते थे कार्ल मार्क्स के बारे में। स्टालिन एंड ट्रोटोस्की अरेंज द थॉट ऑफ कार्ल मार्क्स, जो
स्नोबॉल था, स्टालिन और ट्रोटस्की को दर्शा रहा है। इसमें तो वे ही कार्ल मार्क्स के नियम का पालन कर रहे हैं और उन्हीं को वह विस्तार कर रहे हैं। एंड गेव देम अ सिस्टम, और एक सिस्टम देना चाहते हैं जो कार्ल मार्क्स के द्वारा सिखाया जाता है स्टालिन और ट्रोटस्की को। तो ऐसे ही सेम चीज़ होता है इस नॉवेल में भी। लेटर ऑन द सिस्टम वाज नोन एज कम्युनिज्म, तब उसके बाद कम्युनिज्म हम कहते हैं उसको। फिर है कि द नॉवेलिस्ट पॉइंट आउट इन द कमांडमेंट्स, तो फिर नॉवेलिस्ट जो एक पॉइंट यह बताना चाहते हैं कमांडमेंट्स के बारे में कि नो एनिमल शॉल वियर क्लोथ्स, नो एनिमल शॉल ड्रिंक एल्कोहल एंड नो एनिमल शॉल स्लीप इन बेड। इन ऑर्डर टू क्लेरिफाई हिज एलोगोरिकल एक्सप्लानेशन द ऑथर सेज वेरी ह्यूमरसली दैट ऑल मेजर कॉल्ड ऑल द एनिमल्स कॉमरेड्स। कॉमरेड्स इज द टर्म यूज्ड बाय कार्ल मार्क्स, जो ओल्ड मेजर थे उसके द्वारा यह कॉमरेड्स यूज किया जाता था सारे एनिमल ताकि एक जैसे हो, सभी को एक समान मानते थे, तो उसी लिए प्रयोग करते थे कॉमरेड्स। कॉमरेड्स समझ ही चुके क्या है कि सभी को एक समान अगर बुलाना होता था सभी जानवर को एक जगह पर, तो सीधे थे कॉमरेड कम हियर, इस जगह पर आ जाओ, तो कॉमरेड समझ गया, ये कार्ल मार्क्स प्रयोग करते थे। द वर्ड कॉमरेड स्टैंड्स फॉर द इक्वलिटी, यह इक्वलिटी को दर्शाता है। दस द ऑथर कन्विसेज द रीडर दैट द एनिमल्स मीन्स कम्युनिज्म एंड एनिमल फार्म इज आउटवर्डली द स्टोरी ऑफ एनिमल। तो एनिमलिज्म जो बता रहा है, एनिमलिज्म नियम कौन था जो कार्ल मार्क्स के द्वारा नियम बनाया गया था, जैसे यहाँ पर है कि कोई भी एनिमल्स कपड़ा नहीं पहनेगा, कोई भी एनिमल्स अल्कोहल नहीं पिएगा, नो एनिमल्स शैल स्लीप इन बेड, कोई भी एनिमल बेड पर नहीं सोएगा। फिर अलग अलग तरीके के नियम बनाए थे कि कोई भी एनिमल वह किसी को हत्या नहीं करेगा, फिर वह दुश्मन मान लिए कि जो दो पैर से चलने वाला वो हमारे दुश्मन, इस तरीके के कुछ कुछ नियम बनाए थे ओल्ड मेजर यानी कि कार्ल मार्क्स ने। तो इस जो अगर कहानी में इस नॉवेल में बात किया जाए तो वो था एनिमलिज्म, और ऐसा जब कार्ल मार्क्स ने किया था रशियन क्रांति के समय, रशियन रिवोल्यूशनरी के समय, तो उसको हम कम्युनिज्म कहते हैं, सभी एक जैसा हो, सभी के जो भी नियम बने सभी के लिए एक जैसा हो, तो यही कम्युनिज्म है। एंड एनिमल फार्म, एनिमल फार्म जो एक तो आउटवर्डली था लेकिन उसका इनवर्डली इफेक्ट के बारे में बात किया जाए तो यह था स्टोरी ऑफ कम्युनिस्ट, द नॉवेलिस्ट एड्स एलगोरिकल एलिमेंट्स डेलीवरेटली। तो इतना सुंदर तरीके से ये बताया गया हुआ है। समय हो जाएगा जब आप इस नोवेल को पढ़े होंगे तो मेरे चैनल पर है, आराम से पढ़ लीजिए, नहीं तो कहीं से ही पढ़ लीजिए तो आपको पूरा आसान से पता चल जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसका शॉर्ट, तो शॉर्ट देख सकते हैं यहाँ पर, डिस्कस एनिमल फार्म एज एन एलोगोरी, एक एलोगोरी है उसके बारे में यहाँ पर बताना है। तो जो जो बात पढ़ी उसमें से आप एक्सप्लेन तो कर ही सकते हैं सबको 10-15 लाइन में लिख लिख कर कि एनिमल फार्म में जो कहानी जो भी एनिमल फार्म में बताया हुआ है, एक इस साइड एनिमल फार्म के बारे में लिखिए और इसका फ्रांसीसी क्रांति के बारे में लिखिए, दोनों को तुलना कर देंगे तो मिल जाएगा। जैसे कौन कौन चीज़ से तुलना किया गया था कि डील्स ऑफ सोसाइटी प्रॉब्लम, एनिमल्स का जो प्रॉब्लम था वैसा ही प्रॉब्लम रहता था फ्रांसीसी क्रांति के समय। तो एक ये तो हो गया, तो इसको 10-15 लाइन में इजी तरीके से लिख सकते हैं, अभी हम तुरंत जाने हैं। फिर है कि विट्स एंड ह्यूमर के ह्यूमर मैनर से उन्होंने किस प्रकार से यह बताए हैं तरीके से कि बच्चों को कार्टून जैसा लगता है पढ़ने में, सुंदर लगता है, बूढ़ों को भी जवान को भी, हर को अलग अलग तरीके की शिक्षा देते हैं, समझ देते हैं पॉलिटिक्स के बारे में।
सिंप्लिसिटी विद हैप्पी, सभी लोग सिंपल से रहे, हैप्पी रहे, ऐसी भावना देने की कोशिश किया गया था एनिमल फार्म नोवेल में भी और साथ में दिया गया था यह इस पॉलिटिक्स, मतलब जब रिवॉल्यूशन हुआ था फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन उस समय भी, तो हर के बारे में यानी कि 10-15 लाइन में लिख ली कर आप लगभग जरूर। यहाँ पर 7 पॉइंट्स है तो 15 यानी कि 15 × 90 = 105 यानी कि लगभग आप 3-4 पेज लिख सकते हैं, लेकिन जानते हैं कि लगभग पूछा जाता है 10 या 15 नंबर का, मतलब 10 नंबर के पूछा जाता है कि 15 आराम से सिलेबस में, जैसे इधर हम देख ही चुके हैं तो ये आसान से बता सकते हैं। जैसे इस सिलेबस में क्या है कि जॉर्ज ऑरवेल 10 नंबर का होता है, 10-10 नंबर का, तो ये 10 नंबर का ही पूछा जाता है, तो इसी से जान सकते हैं। तो हर चीज़ के बारे में लगभग 2 पेज लिखे देंगे तो हो जाएगा, और ये जो बता रहे वह आसान ही है। तो सिंप्लिसिटी विद हैप्पी के बारे में लिख ही सकते हैं। ओल्ड मेजर जो एच कार्ल मार्क्स का जो रोल था कि सभी लोग एक जैसा रहे, जो नियम बताए हैं उसके बारे में लिख देंगे, और जो इसमें जो रशियन क्रांति हुआ था उस समय जो कार्ल मार्क्स के विचार लिख देंगे वो हो ही जाएगा। पीक जो कि लग्जरीज लाइफ और अदर बिजी रहते थे, तो ये भी दोनों से बस तुलना करना है, कंपेयर करना है। एलोगोरी तो वही तो है कि एक के माध्यम से दूसरे को बताना, एक कहानी के माध्यम से दूसरे चीज़ को बताना, तो वही इसमें एनिमल फॉर्म एक नोवेल के माध्यम से पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बताता है। फिर है कि सक्सेसफुल एलोगोरी, वो है सक्सेसफुल एलोगोरी तो है कि इतनी सुंदरता से हर किरदार, हर छोटे छोटे पल हम तुलना कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं फ्रांसीसी क्रांति से, तो इसलिए ये बहुत ही सक्सेसफुल एलोगोरी है। एलोगोरी कभी भी नाम ये वर्ड आता है तो सबसे पहले जाता है नाम वह जॉर्ज ऑरवेल जी का जाता है। फिर है नो एनिमल शॉल वियर क्लॉथ्स, ऐसा ऐसा नियम बताए थे, तो ऐसा ऐसा क्या बताते कि यह एनिमलिज्म को बताता है, और ऐसा ही नियम बनाए थे जो लेनिन ने बनाए थे और कार्ल मार्क्स ये सब बनाए थे ट्रोटस्की ने, तो ये सब कम्युनिज्म कहलाया। तो इतनी सुंदर यह एलोगोरी था, तो पढ़ने में तो बहुत ही मज़ा ही आया, और उम्मीद करते हैं आपको भी अच्छा लगा होगा। और बस मेरे चैनल पर पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।